अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस अकेडमी। आज डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची के केमिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल जो है वो प्रीलिम एग्जामिनेशन के अंदर आए थे उनको सॉल्व करने वाले हैं, और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के भी अब ये जो है वो हम लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस जारी रखिए जिस तरह फिजिक्स के हमने अपलोड किए थे, और मैथ्स के भी इंशाल्लाह जारी रहेंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन। विच नंबर हैज़ फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें से कौन सा नंबर जो है उसकी फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो अभी चलो राइट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थ्री सिग्निफिकेंट है, टू सिग्निफिकेंट है, और ये वाला ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो यहाँ पे थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसमें हैं थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। इधर आ जाओ तो इधर जस्ट एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इधर आ जाओ तो इधर एक, दो, और इनके दरमियान के सारे ज़ीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो वाहिद हमारे पास जो पाँच सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो यही है। थ्री, टू, वन तो सिग्निफिकेंट हैं ही, ये ज़ीरो इस वजह से सिग्निफिकेंट है कि वो दो नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान में आ रहा है, तीन और दो के दरमियान में आ रहा है, और डेसिमल के बाद वाले जो ज़ीरोज़ होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। इस वजह से राइट आंसर होगा ये, क्योंकि यहाँ पर है टोटल फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर टू। अच्छा, ये वन दो बार प्रिंट हो गया, बहरहाल जो भी है। वन सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितने डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है? तो आप रिलेशन याद रखिए, एक सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है, ठीक है, जो भी वैल्यू होती है उसको डिवाइड कराते हैं 1000 से। ठीक है, तो वो आ जाता है आंसर डेसीमीटर क्यूब में, डिवाइड कराना है 1000 से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 1000 का मतलब 1 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर माइनस 3। ठीक है, डिवाइड बाय 1000 कराना है। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, एक कंपाउंड है उसका एम्पिरिकल फार्मूला ये है, और उसका मॉलिक्यूलर मास है 60। तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? तो देखो, एम्पिरिकल फार्मूला अगर हमें पता लग जाए तो हम क्या करते हैं कि हम उस एम्पिरिकल फार्मूला, क्या है, CH2O, ये है क्वेश्चन नंबर थ्री, CH2O है ना। ठीक है, आप इसका निकालिए कितना बना मास, जो बना कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन के हो गए 2, ऑक्सीजन का हो गया कितना 16। ठीक है ना, तो ये हो गया 14, और ये बन गया कितना 30। ठीक है जी, और गिवन कितना है हमें, गिवन क्या है, गिवन है मास जो है वो कितना है, मॉलिक्यूलर मास वो कह रहे हैं कि 60 AMU है, और ये जो है वो हमारे पास 30 AMU आया, यानी कि जो दोनों का रेशो आ गया गिवन और डिवाइड बाय जो हमने फाइंड करा वो है 30, ये बराबर आ गया हमारे पास 2 के, यानी कि अगर इस एम्पिरिकल फार्मूले को मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। इट मींस आंसर क्या आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा C2H4, और O भी बराबर हो जाएगा 2 के, तो C2H4O2, 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 दिस वन। वैल्यू 385 एंड राउंड ऑफ अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, 385 को राउंड ऑफ करना है दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ठीक है, तो 5 को राउंड ऑफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 380 के बराबर। ठीक है ना, और वैसे ऑप्शन अगर आप देखो तो यहाँ पे जो है वो तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे दो हैं, लेकिन 385 को 38 थोड़ी लिख सकते हैं। ठीक है ना, 380 के बराबर ही कर सकते हैं, और 300 भी नहीं कर सकते, वैसे तो कर ही नहीं सकते, लेकिन 300 के अंदर भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 380। क्वेश्चन नंबर 4, इन हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ N2 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ NH3 विद एक्सेस H2 बाय हेबर्स प्रोसेस। जो हेबर्स प्रोसेस है उसमें जो है वो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कितना मिल जाए, मुझे मिल जाए 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, तो हम मुझे मालूम करना है यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने ग्राम्स होने चाहिए। तो हेबर्स प्रोसेस अगर आपको याद है तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, उसका जो रिएक्शन है ना वो है, ये आ गया हमारे पास नाइट्रोजन, साथ में आ गया 3 times ऑफ हाइड्रोजन, और रिएक्शन में हमारे पास क्या बना, रिएक्शन में हमारे पास बनता है 2NH3। ठीक है जी, अब सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास अगर इसकी बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में का जो एटॉम वो हो जाएगा मॉलिक्यूल मास 28। ठीक है, हाइड्रोजन का तो खैर 1 होता है तो वो 3 grams हो जाएगा, और यहाँ पर अमोनिया आ रहा है, अमोनिया क्या वैल्यू है, अमोनिया के अमोनिया में आ रहा है नाइट्रोजन 14। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा है कितना, हाइड्रोजन आ रहा है हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा 17 ग्राम। ठीक है, और गिवन कितना है हमें, गिवन है हमें कहाँ चला गया 34 ग्राम। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो यही होता है कि जो कि हमारा गिवन मास है उसको डिवाइड कराएं हम उसके मॉलिक्यूलर मास से, तो ये बराबर हो जाएगा कितना, गिवन है 34
डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू 2 मोल, यानी कि 2 मोल बन रहा है, और यहाँ ऊपर 2 मोल बन रहा है। वैसे तो इतना क्लियर हो गया ये क्वेश्चन कि हमें सॉल्व ही नहीं करना चाहिए, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डिफरेंट वैल्यू गिवन होती तो कैसे सॉल्व करते, इस वजह से मैं इसको प्रॉपरली सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है जी, तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर हमारे पास, अब यहाँ हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर कि नाइट्रोजन जो है उसका क्या मोल क्या परसेंटेज बन रही है, और जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसकी क्या परसेंटेज बन रही है। इस तरीके से हमें जो है ना इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी हमें कितने मोल मिल रहे हैं, अभी हमें मिल रहे हैं 2 मोल। ठीक है, 2 मोल मिल रहे हैं, और नाइट्रोजन का तो यहाँ पे 1 ही मोल है मल्टीप्लाई 1, और अमोनिया के 2 मोल तो आखिर के अंदर बन ही रहे हैं, तो ये बराबर आ जाएगा किसके, बराबर आ जाएगा 1 मोल के। ठीक है, और 1 मोल इंटू अगर मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करा दें 28 से, तो ये हो जाएगा 28 ग्राम। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन का पूछते तो हाइड्रोजन के कितने मोल बन रहे हैं, हाइड्रोजन के हमारे पास बन रहे हैं 3 मोल, 3 मोल बन रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मोल जो हमने कैलकुलेट करे अभी मास के लिहाज से कि भाई अगर 34 गिवन है तो वो 2 मोल बनने चाहिए, और एक्चुअली इक्वेशन के अंदर भी 2 मोल बन रहे हैं, तो ये हो जाए कितना, ये हो जाएंगे 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, और फिर अगर मास मालूम करना है तो 3 का जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, सॉरी 2 कर देंगे ना, क्योंकि हाइड्रोजन की बात हो रही है H2 है, तो ये कितना बन जाएगा, बन जाएगा 6 ग्राम। लेकिन हमसे पूछा गया था कि नाइट्रोजन कितना बनेंगे, तो नाइट्रोजन का जो है वो 28 ग्राम बनेगा अगर तो 34 ग्राम ऑफ अमोनिया है, दैट्स वाई राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 28 ग्राम। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का यूनिट होता है मिलीपॉइस। एवोपोरेशन इज अ नेचुरल फिजिकल कूलिंग प्रोसेस, एवोपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस का नाम है। दो सॉलिड्स जिनका सेम स्ट्रक्चर होता है, सेम का जो वर्ड है इसको शो करते हैं आइसो से, और आइसो कहाँ नजर आ रहा है, आइसो मॉर्फस पॉलीमॉर्फस आइसोटोप्स, लेकिन हाँ आइसोटोप से परेशान नहीं होना, मतलब तो मिक्सअप नहीं कर देना, ये कहलाते हैं आइसोमॉर्फस। द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज इज नोन एज सब्लिमेशन, वो डायरेक्टली सब्लिमेशन कहलाता है। अगर ए बी सी तीनों बराबर हैं, तीनों साइड्स बराबर हैं, ए बी सी तीनों साइड्स बराबर हैं, ए बी सी और सारे के सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री है, तो स्ट्रक्चर इसी किस्म का बनता है विच इज क्यूबिक स्ट्रक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन, अब रेट ऑफ डिफ्यूजन हमें पता है कि वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे, तो जिनके मॉलिक्यूलर मास इक्वल है उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इक्वल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड CO2 और SO2, CO2 और SO2 से। ठीक है जी, तो कार्बन का हो गया 12 और ये हो गया यहाँ पे 16, ये हो जाएगा 44, और यहाँ पर हो गया 32, और ऑक्सीजन का भी हो गया 32, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 64, तो इनके तो बराबर नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड C3H8। कार्बन डाइऑक्साइड का हमें पता है 44 होता है, C3 हो गया यहाँ पे कितना 36, और 36 और 8 बराबर हो गया 44 के, इनके मासेस बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन बराबर होगा। और बाकी अगर आप देख लो ऑप्शन तो क्लियरली नज़र आ जाएगा CO2 का जो मास है वो इसके बराबर नहीं होगा, और क्लोरीन का भी ऑक्सीजन के बराबर नहीं होता। वाहिद जिनके मॉलिक्यूलर मासेस इक्वल हैं वो जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सेम रखते हैं। द एन प्लस एल वैल्यू ऑफ 5d, एन प्लस एल वैल्यू ऑफ 5d मालूम करनी है, 5d ऑर्बिटल। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 5d ऑर्बिटल पता करना है, n plus l यहाँ पर आ गया, n तो सीधा सीधा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ जाएगा, ld को शो कर रहा है, sp df। s के लिए क्या होता है, s के लिए होता है 0, p के लिए होता है 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, d की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 5 plus 2, 5 plus 2 होता है 7, तो n plus l की वैल्यू जो है वो 7 के बराबर आएगी। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होती है, क्वेश्चन नंबर 12। विबग्योर जो वर्ड है ना, सिंपली उसको याद रखना है, ये हमने लिखा है विद द इंक्रीजिंग वेवलेंथ, वेवलेंथ बढ़ रही है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की, सबसे कम होती है वॉयलेट कलर की, इस वजह से राइट आंसर आ जाएगा वॉयलेट, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछिए। द सीरीज ऑफ लाइन प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, देखो ये मत देखा करो कहाँ से जंप कर रहा है, ये देखा करो कहाँ पर जंप कर रहा है, सेकंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तो जो सीरीज है उसको याद रखना है, क्या सीरीज थी, लेमन बेलमर पैशन ब्रैकेट और
पी फ्लैट, ठीक है ना, ये सीरीज थी। तो ये होता है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए जो है वो बेलमर सीरीज होती है। राइट आंसर हो जाएगा बेलमर। द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड इन एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? एफ ऑर्बिटल के अंदर आ सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि एफ के जो है वो कितने डायमेंशन बनती हैं? 7 डायमेंशन बनती है, और हर डायमेंशन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो 7 × 2 ये होता है 14। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला। एन स्क्वायर से शो कर सकते हैं। अगर एन बराबर होता है 1 के, तो उसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी एक ही होता है, ठीक है जी। अगर हम जो है वो सेकेंड रखें, तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए ये हो जाते हैं 4, ठीक है। तो इसी तरीके से एन स्क्वायर के जरिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये लिखा हुआ है सल्फर, और पावर लिखी हुई है माइनस टू लिखा हुआ है, और उसका एटॉमिक नंबर 16 है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें से ऑप्शन में से देखने हैं किसके पास 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो, वैसे सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन प्लस 1 का मतलब 1 निकल गया, इसका मतलब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आ गया हमारे पास फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, लेकिन एक और आके ऐड हो गया है ना, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया है, तो ये हो गए टोटल 10, ठीक है। अगर पोटेशियम की बात करें तो 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन प्लस 1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी कि ये हो गया 18। और इसी तरीके से यहाँ पर हो गया कितना, यहाँ पर हो गया हमारे पास 13, और 13 में प्लस 3 हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी कि 10। तो यहाँ पर हमसे क्या सवाल किया गया, हमसे सवाल किया गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सल्फर के पास वैसे 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और ऐड हो गए, तो ये हो गए 16 + 2 = 18। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है विद पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 17, विच एटॉमिक ऑर्बिटल इज ऑलवेज इन्वॉल्व्ड इन सिग्मा बॉन्डिंग। एस भी इन्वॉल्व होता है, पी भी इन्वॉल्व होता है, डी भी इन्वॉल्व हो सकता है, एस पी भी हो सकता है, पी पी भी हो सकता है, एस एस भी हो सकता है। तो एक्चुअली जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा इन्वॉल्व होता है इन द सिग्मा बॉन्डिंग, और वो ऑप्शंस में है नहीं। इन इथेन मॉलिक्यूल्स देर आर, इथेन के मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। 1, 2, 3, 4 कार्बन की 2-2 वैलेंसी फिल हो गई, तो यहाँ पे 2 बनाएगा। तो एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना, और एक जो पहला वाला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बनेगा। इसका मतलब 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 1 पाई बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 1 बना है यहाँ पे पाई बॉन्ड। द ऐसा यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज डी बाई। दिस मॉलिक्यूल हैज 0 डायपोल मोमेंट, ठीक है। इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसकी डायपोल मोमेंट जो है वो 0 है? याद रखो, जो 3-4 एटम्स हैं जिनकी डायपोल मोमेंट 0 है, वो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, और CCl4 है, ठीक है, और साथ साथ आता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑप्शन में इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड ही मौजूद है, इस वजह से 0 डायपोल मोमेंट कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी अमोनिया की और वाटर की और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन सब की जो है ना डायपोल मोमेंट होती है। द बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम इन दिस मॉलिक्यूल, इसमें से कौन से मॉलिक्यूल? अच्छा, मैक्सिमम जब भी कह रहे हैं तो इसका मतलब 180 डिग्री होगा। मीथेन में 180 डिग्री नहीं होता, वाटर में भी नहीं होता, अमोनिया में भी नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड में 180 डिग्री एंगल होता है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में 180 डिग्री एंगल बनता है, इस वजह से वही मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा क्या होगा। दिस इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती, मास डिपेंड करता है, वॉल्यूम डिपेंड करता है, मोल डिपेंड करता है, बट डेंसिटी डिपेंड नहीं करती। हैसेस लॉ मे बी यूज टू कैलकुलेट द एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, यानी रियल और इमेजनरी लाइन और वॉल जो कि सेपरेट करती है सिस्टम को उसकी सराउंडिंग्स के साथ, वो बाउंड्री कहलाती हैं। एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 या 4.184, या 4.184 जूल्स के बराबर होता है। द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन विल बी मैक्सिमम फॉर द केसी वैल्यू। केसी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वो रिएक्शन जो है वो एक्सटेंड करता है, और सबसे बड़ी वैल्यू इसके अंदर 103 आ रही है, तो यही सही है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन के पी इज ग्रेटर देन के सी, किसमें के पी के सी से बड़ा है इन तमाम रिएक्शन के अंदर, ठीक है ना। और के पी के सी से बड़ा होने का मेन मकसद क्या है कि जो है वो बढ़ रहा है, जो वॉल्यूम हो रहा होगा वो इंक्रीज हो रहा होगा। अगर आप इस रिएक्शन के अंदर देखो, पहले वाले के अंदर, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पर 1 मोल आ रहा है,
ठीक है, कमी आ रही है। इधर आके देखो तो एक और एक दो और ये दो बराबर चल रहे हैं, इधर केसी और केपी दूसरे दूसरे में बराबर होंगे। यहाँ आप देखें तो PCl5 और PCl3 प्लस क्लोरीन, इधर एक है और इधर 1+1, ये बराबर हो जाएगा 2 के, इधर ही इंक्रीज हो रहा है। लेकिन चलो चौथा ऑप्शन भी देख लें, चौथे में ये आ रहा है 2+1, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर आ रहा है 2, तो यहाँ पर भी कमी हो रही है। वाहिद एक रिएक्शन है इसमें वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है और वही जाहिर करता है के पी इज़ ग्रेटर देन के सी। तो जब भी ऐसा कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए जो तरीकेकार हमने अभी अभी डिस्कस किया है उसको आप यूज़ करिए। इफ रेशियो बिटवीन इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन द के सी, यानी कि जो रेशियो होता है इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, जो फॉर्मूला था प्रोडक्ट डिवाइड बाय, और ये इनिशियल थे और ये आ रहा है क्या रिएक्टेंट, इनिशियल ये कह रहे हैं कि ये जो है वो ग्रेटर देन है विद द वैल्यू ऑफ के सी। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, ऐसी सूरत में शिफ्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, शिफ्ट टू बैकवर्ड डायरेक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, तो याद रखिए ऐसी सूरत में वो शिफ्ट करता है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इफ द वैल्यू ऑफ के सी इज वेरी लार्ज, यानी कि रिएक्शन बहुत तेजी के साथ हो रहा है, इसका मतलब रिएक्टेंट जो है वो अनस्टेबल होते हैं। फॉर एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, रिएक्शन शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन, शिफ्ट नॉट अफेक्टेड, शिफ्ट बैक टू बैकवर्ड, याद रखिए वो राइट साइड की तरफ बढ़ता है यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 32, ओके, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर H2SO4 में मालूम करना है। ये आ गया हमारे पास H2SO4, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन का होता है माइनस का 2 और माइनस का 2 4 की वजह से हो जाएगा बराबर, 4 2s are -8, ठीक है, हाइड्रोजन का होता है प्लस का 2, तो ये हो गया प्लस माइनस का 8 और प्लस का 2 और एक न्यूट्रल एटम है तो माइनस 8, ये हो जाएगा माइनस का 6, तो सल्फर की वैल्यू होनी चाहिए प्लस का 6 तभी न्यूट्रल बनेगा प्लस 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर एम 3+ लिखा हुआ है, एम 2+ हो गया, ठीक है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें क्या हो गया, उसमें कमी आ गई, कमी आने का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, सही ना, पॉजिटिव में कमी आने का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। सेकंड वाले में एम 2+ एम 3+ पॉजिटिव में इजाफा हो गया यानी कि लाजमी तौर पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, ये प्लस 2 था, ये हो गया प्लस का 3, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज तभी बढ़ता है जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है निकल जाता है, ठीक है, तो यही वो रिएक्शन है जो कि ऑक्सीडेशन है, जिसको मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। इस वाले रिएक्शन के अंदर तो ये न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का कोई फर्क ही नहीं है और नन ऑफ दीज बेकार हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज बेसिक, इसमें से कौन सा सोल्यूशन बेसिक है, NaCl नहीं, KCl नहीं है, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सोल्यूशन और कॉमन बेसिक सोल्यूशन है। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास Cr2O7 और एक्चुअली -2 पावर आ रही है, तो इसका मतलब हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे होता है माइनस का 2, माइनस का 2 इंटू 7 ये हो जाएगा माइनस का 14, ठीक है ना, माइनस का 14 बन रहा है। और अभी हमें न्यूट्रल नहीं करना है, न्यूट्रल करना होता तो हमारे पास Cr2 का 14 आ जाता, हमें माइनस का 2 रखना है तो इसका मतलब ये प्लस का 12 होगा, Cr2 जो है वो प्लस का 12 होगा तभी आंसर जो है वो माइनस के 2 के बराबर आ रहा है। तो Cr2 के लिए अगर 12 आया तो डिवाइड बाई 2 करेंगे आंसर आ जाएगा 6, सिर्फ क्रोमियम के लिए तो ये आ जाएगा प्लस का 6। द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट पर। 37 द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड, इसे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। 37 क्वेश्चन नंबर 38 द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट टू अ रिएक्शन चेंज, अगर हम कैटलिस्ट को ऐड कर देते हैं तो वो रिएक्शन जो है मतलब क्या चेंज आता है, तो याद रखो वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। अब इन्होंने हाई लोगों तो पूछा नहीं है लेकिन जाहिर सी बात है हम आंसर सिर्फ और सिर्फ दे देंगे एक्टिवेशन, क्योंकि वो चेंज कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को। 39 रिएक्शन विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है रिएक्शन उतने स्लो होते हैं और जितनी कम होती है एक्टिवेशन एनर्जी उतने रिएक्शन जो है वो फास्ट होते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो प्रोसीड करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट पर, तो वो कौन से ऑर्डर के होते हैं, याद रखिए वो जीरो ऑर्डर के होते हैं। वो क्यों जीरो ऑर्डर के होते हैं, क्योंकि उनका जो रिएक्शन है वो डिपेंड नहीं करता अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, यानी कि वो उन सब्सटेंसेस के अगर मैं अमाउंट चेंज कर दूं तो रिएक्शन तेज़ हो जाएगा स्लो हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सो इट इज़ जीरो ऑर्डर।
अच्छा, ये जो रिएक्शन नज़र आ रहा है, अगर इस रिएक्शन के अंदर हम एनओ को जो है वो डबल कर दें तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा रेट ऑफ़ रिएक्शन के ऊपर, ठीक है ना? अब यहाँ पर अगर मुझे रेट ऑफ़ रिएक्शन की बात करनी है तो रेट ऑफ़ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है यहाँ पर, प्रोपोर्शनली डिपेंड कर रहा है एनओ पर, लेकिन एनओ के दो जो है वो मोल्स हैं, इस वजह से स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। और ये कह रहे हैं डबल कर देंगे तो डबल का जो स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा 4 के, इस वजह से इंक्रीज हो जाएगी 4 टाइम्स। इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ए इज़ 12 किलो जूल पर मोल इफ़ इट्स थ्रेशोल्ड एनर्जी इज 31 किलो जूल पर मोल। एक्टिवेशन एनर्जी मालूम करनी है, एक्टिवेशन एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला है, ये बराबर होती है, हमें माइनस करना पड़ता है जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसमें से इंटरनल एनर्जी को माइनस कर देते हैं, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी को माइनस कर देते हैं इंटरनल एनर्जी से, जो चेंज होता है इंटरनल एनर्जी का। तो थ्रेशोल्ड जो है वो 31 है, इंटरनल एनर्जी जो है वो 12 है, ये हो जाएगा 19 किलो जूल पर मोल। ये आ गया 19 किलो जूल पर मोल। और फाइनली 43 कैपिलरी एक्शन जो होता है वो होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से कैपिलरी एक्शन होता है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो है वो राइज कर जाता है लिक्विड, दिस इज नोन एज कैपिलरी एक्शन। एंड देन देर इज सेक्शन बी एंड सी जिसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर छोटी मोटी बात है जो कमेंट के अंदर सॉल्व हो सकती है तो फिर वो सेक्शन बी और सी की इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। और एमसीक्यू में भी कोई प्रॉब्लम है होनी नहीं चाहिए, तकरीबन तमाम को एक्सप्लेन किया है, बट फिर भी अगर है तो ज़रूर लिख देना कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।